नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास कल्नरी। आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम कुकीज। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बटर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम बटर लिया है, सॉफ्ट बटर है ये। अब इसमें हम 100 ग्राम शुगर डाल रहे हैं। इसको बीट करेंगे हम जब तक कि हमारा जो बटर और शुगर है अच्छे से क्रीम ना हो जाए। अगर आपको शुगर थोड़ी कम लगे तो आप थोड़ी और डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर बटर और शुगर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 260 ग्राम मैदा डाल रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे इसे। हमें इसको ओवर नीड नहीं करना है, बस मिक्स हो जाए, डो आ जाए इसमें अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको, सॉफ्ट डो तैयार हो गया है हमारा, एकदम हार्ड नहीं है। बस ये स्टिक नहीं होना चाहिए, यही पहचान है इसकी। अब जो हमारा डो है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तीन तरह कुकीज बना रहे हैं। एक बना रहे हैं हम टूटी फ्रूटी, एक ड्राई फ्रूट और एक चोको चिप्स। अब एक पार्ट में हम मिक्स टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने तीन कलर की ली हैं, इनको मिक्स कर देंगे। टूटी फ्रूटी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है डो में, इसको साइड पर रखेंगे। अब दूसरे पार्ट में हम चोको चिप्स मिला रहे हैं। ये डार्क चॉकलेट चोको चिप्स हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब तीसरे पार्ट में हम ड्राई फ्रूट मिला रहे हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ता, काजू, बादाम लिया है, सबको बारीक चॉप कर दिया है। उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे तीन डो बनकर तैयार हो गए हैं, टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट एंड डार्क चॉकलेट चिप्स। डो लेंगे हम, हल्का सा नीट करेंगे इसे और इसको रोल करेंगे। यहाँ पर मैंने पार्चमेंट पेपर लिया है, इसमें रोल करके इसको फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए। रोल कर दिया हमने इसको अच्छे से। अब इसको हम इसमें रैप करेंगे, टाइटली रैप करना है इसको। इसको साइड पे रख देंगे। अब हम दूसरा रोल लेंगे। ऐसे ही हम इसको भी रोल करेंगे, तो भी हम अच्छे से टाइटली रोल कर देंगे। अब हम थर्ड वाला डो ले रहे हैं, थोड़ा सा नीट करेंगे हल्के हाथों से। इसको भी अच्छे से रोल करेंगे, इसको भी टाइटली पेपर में रोल कर देंगे। यहाँ पर हमारे तीनों रोल तैयार हैं। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। 2 घंटे हमने फ्रिज में रखा था अपने रोल को, तो निकाल देंगे इसमें से। अब इसके हम पीस कट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 रोल कट किए हैं, टूटी फ्रूटी और चोको चिप वाला। अब इसको हम बेक करेंगे, एक ट्रे में अरेंज करेंगे इसको। अब हम इन कुकीज को 170 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। देखिए हमारी कुकीज अच्छे से बेक हो गई हैं। यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट के लिए बेक किया था। इसको साइड पे रखते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम दूसरे बैच की तैयारी करते हैं। अब हम सेकंड बैच भी ऐसे ही बेक कर लेंगे 170 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड बैच भी बनकर तैयार है कुकीज का। दूसरा रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारी कुकीज तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको सर्व करते हैं। आप इन कुकीज को चाय के साथ, कॉफी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी टूटी फूटी कुकीज तैयार है। अब हम लगाएंगे चोको चिप कुकी। अब यहाँ पर है हमारी ड्राई फ्रूट कुकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बनकर तैयार है हमारी टी टाइम कुकीज, जो बनाने बहुत ही आसान है और कम ही इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं इसे बनाने के लिए। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि आपको ये कुकीज कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।